तो जी आखिरी शुक्रवार हम पहुंच गए हरिद्वार, गंगा जी की नगरी में, गंगा जी का स्नान करने। तो जैसे ही हम वहां पहुंचे, हमने सबसे पहले किए दक्ष प्रजापति जी मंदिर के दर्शन, और उसके बाद वहां पे हमने पूछा तो पता लगा यहां पे हैं पहलवान जी कचौड़ी वाले, बहुत मशहूर। तो जी हम निकल चले उनके पास। तो बस दक्ष मंदिर से लगभग 10 मिनट की दूरी पर झंडा चौक आता है। झंडा चौक पर कनखल में आपको ये पहलवान जी पौड़ी वाले बड़े प्रसिद्ध है, आप किसी से भी पूछेंगे आप पहुंच जाएंगे। तो जी हम भी पहुंच गए। तो जी ये फुल प्लेट और हाफ प्लेट दोनों देते हैं। देने का तरीका बड़ा ही बढ़िया है, वही पत्ते वाला, नीचे डोना ऊपर पत्तल, और पत्तल में दो कचौड़ियाँ, सब्जी, दो तरह की चटनी। और एक अनोखी बात यह है, यहाँ पे सब देते हैं, मतलब और आप जगह कचौड़ी खाएंगे तो आपको लाल मिर्च मिलेगी तली हुई, लेकिन ये देते हैं हरी मिर्च मिलेगी तली हुई, लेकिन ये देते हैं लाल मिर्च, हाँ जी सूखी लाल मिर्च तली हुई देते हैं, ये तड़का लगी हुई, जो कि खाने का ना मतलब टेस्ट अलग ही है उसका, मज़ा वो बांध देती है। और चटनी इनकी दोनों इतनी मतलब टैंगी टाइप चटनी थी कि मतलब मुँह नहीं जल रहा था, जैसे बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाए, बच्चों का मुँह जले, आपका जले, वो वाली बात बिल्कुल नहीं थी। एक अलग ही जायका इनकी कचौड़ियों में था। तो जी हमारी प्लेट हो गई है रेडी, हमने एक फुल प्लेट ली, क्योंकि मैं और धर्मपत्नी थोड़ा अभी आगे भी जाना था, हम बहुत ज़्यादा हैवी नहीं खाना चाहते थे, लेकिन कचौड़ी इतनी स्वाद थी, कचौड़ी इतनी स्वाद थी कि मन किया कि एक प्लेट और लगवा लें, लेकिन पेट में जगह ही नहीं थी। हाँ जी, जो ये वो लाल मिर्च है मैंने अभी आपको दिखाई, जो जिसको ये तड़का मार के इसके अंदर डालते हैं तल के, और मतलब स्वाद है ना, मैं इसका स्वाद क्या आपको बताऊँ, स्वाद एक्चुअली बताया नहीं जाता, मतलब मुझे ऐसा लगता है। स्वाद तो आप जब जाके खाते हैं ना, तो मैं आपको मिसलेनियस से बता देता हूँ कैसे इसका स्वाद था। बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं था ये, बड़ा एक चटपटा सा टैंगी सा टेस्ट, एक खटा खटापन, और बहुत ही स्वाद, मतलब आपका मन किया कि भाई खाए जाओ, इस टाइप की कचौड़ी थी। बाकी हमारी धर्मपत्नी ने भी खाई, उनसे भी जानते हैं कि टेस्ट कैसा था, वो भी बताएंगी आपको। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी और उनको भी अच्छी लगी। खट्टी मीठी चटनी डाल रखी है दो तरीके की, जो कि एक खट्टी है और एक तीखी है, इसके वजह से टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। तो जी यहाँ करके पेट पूजा हमने अपनी, और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप हर की पौड़ी की तरफ, वहाँ जाके आपको दिखाते हैं हमने और क्या क्या टेस्ट किया। बाकी हमने इस ट्रिप पे बहुत खाया पिया, और मैं इसका एक पूरा व्लॉग भी ना उस पर डालूँगा कि हम कहाँ कहाँ गए, दो दिन का ट्रिप था, क्या क्या हमने किया और क्या क्या खाया। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और